नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। केंद्र की आधार योजना को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा निजता का अधिकार मौलिक अधिकार। उच्च न्यायालय की हरियाणा पुलिस को फटकार, डेरा के लाखों अनुयायियों के इकट्ठा होने के बाद क्यों लगाई धारा 144, क्यों ना डीजीपी को सस्पेंड किया जाए। राम रहीम पर फैसले से पहले हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में इंटरनेट सेवाएं 72 घंटे के लिए बंद। पीएफ अंशधारकों को एक्सचेंज ट्रेड फंड के शेयर देने की योजना, नुकसान का झटका भी अंशधारकों को झेलना होगा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा को मुख्य न्यायाधीश बनाने के फैसले को चुनौती देने वाले विवादित स्वामी ओम पर लगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा के अधिकारियों से कहा देश के 100 सर्वाधिक पिछड़े जिलों पर ज्यादा ध्यान दें। सृजन घोटाला मामले में लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे 11 सवाल। भारत और नेपाल के बीच मादक पदार्थों की तस्करी रोकने समेत 8 समझौते। भारत के दौरे पर है नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। आरबीआई शुक्रवार को जारी करेगी 200 रुपए का नया नोट, शुरुआत में चुनिंदा स्थानों पर ही जारी होगा नोट। चीन के दक्षिणी गुआंगडोंग प्रांत के झुहाई में भीषण तूफान, 12 लोगों की मौत। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।